सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते 14 सितंबर को तकरीबन 5 बजे संध्या में दो युवक के द्वारा एक 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के द्वारा दोनों युवक के विरुद्ध आज सोमवार 16 सितंबर को सदर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस लड़की को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेजकर तफ्तीश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की भी सदर थाना क्षेत्र की ही रहने वाली है, जिसकी उम्र तकरीबन 14 वर्ष बताई जा रही है। इस घटना को लेकर पीड़ित लड़की ने बताया कि शाम में सदर थाना क्षेत्र के कहरा कुटी के पास हम बकरी चरा कर आ रहे थे, उसी दौरान दो लड़के हमको बुलाए और मैं वहां चली गई। उसके बाद वो बोला कार में बैठने के लिए, जब मैं नहीं बैठ रही थी तो वो ज़बरदस्ती वो लोग मुझे गाड़ी में बैठा लिए और बरियाही बाज़ार के आसपास ले जाकर मेरे साथ दोनों लड़के गलत काम करने लगे। गाड़ी में ही एक गाड़ी चला रहा था और दो लड़का मेरे साथ गलत काम किया, जिसमें एक का नाम बिट्टू और दूसरे का नाम अंकुश है। बच्चिया के साथ में ये हुआ सर, ये जो है ना परसों शाम को जो है ना 4 बजे घर से निकली हुई थी बकरी चराने के लिए, और बकरी चरा करके 5 बजे शाम में उधर से वो लौट रही थी। तो लौटते समय इसे जो है ना दो लड़के, तीन लड़के थे गाड़ी पे, चार चक्का थे, तो तीनों लड़के जो है ना एक गाड़ी चला रहा था, वो बेचारा तो कुछ नहीं बोला। दो लड़के जो थे तो इसे आवाज़ लगाया, बुलाया, तो ये गई उसके पास। उसके बाद बोला ए लड़की हल्ला मत करना, देखती हो बंदूक सटा के वहाँ मारिए देंगे, चुपचाप जल्दी से गाड़ी पे चढ़ो। वो गाड़ी पे जब चढ़ी बस गाड़ी का शीशा लॉक कर दिया और उसके कान के सामने में डीजे जो है ना बजा करके बहुत तेज से आवाज़ कर दिया, ताकि इसका आवाज़ बाहर ना निकल सके। और ये बीच में हल्ला भी करने लगी तो इसे थप्पड़ से मारा, उसे मुंह पे 2-3 थप्पड़ इसके मुंह पे मारा है। उसके बाद गाल में दांत काट लिया पूरे, यहाँ इसका जब आई हुई थी इसका चेहरा बहुत ही उतरा सा था और ये बहुत डरी हुई थी। इसको बोल दिया था कि अगर गार्जियन को अगर तुम अपने बताओगी तो तुम्हें जो है ना जानती हो गोली से मार देंगे तुम्हारे पूरे ख़ानदान वाले को, वरना घर जाके कुछ मत बताना। तो ये लड़की कल शाम में रात में आई ना परसों, तो ये कुछ नहीं बताई है। कल दोपहर 3:30 बजे करीब ये बताई है हमको। हम इसे पूछे इतना, इसके मम्मी पापा मार रहे थे कि तू कहाँ चली गई थी बकरी चरा के, तो ये बताई नहीं, मार खा ली चुपचाप लेकिन बोली नहीं कुछ। जब हम इसे प्यार से पूछे तब ये हमें बताई है कि देखिए ना दो लड़का मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, और जो है ना देखिए मेरा कपड़ा उपड़ा सारा फटा हुआ है, सारा कपड़ा भी फाड़ दिया है, सारा कपड़ा भी उसका फटा हुआ है। तो क्या नाम है दोनों लड़का का? दोनों लड़का का पहले लड़का जो किया है उसका नाम बिट्टू है, दूसरे लड़का का नाम है क्या नाम उसका, अंकुश कुमार है। कि क्या लगता है उस लड़की के साथ में गलत? इस लड़की के साथ में वो चच्चा लग रहा है, क्योंकि ये 2-3 महीने पहले से ही जो है ना उसे हमेशा गौर गौर की, जब वो बकरी चराने जाती थी या कोई काम के लिए बाजार जाती थी तो वो गौर से उसे देखता ही रहता था, उसे बुलाता भी था पहले। अभी कहाँ है? अभी हम थाना आए हैं आवेदन देने के लिए आए हैं। क्या मांग करते हैं सर? हमको इंसाफ चाहिए ना। वो कह रहा है लड़का का जो है ना पिता जो है उसके घर वाले कह रहे हैं जो पैसा है वो पैसा ले लो, जो लड़की की शादी में जितने पैसे लगे हैं वो पैसे हम दे रहे हैं, सारे खर्च उठा रहे हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप पीड़ित लड़की के कौन हैं? हम लड़की की चाची बोल रहे हैं। मेरे साथ में क्या मामला है? हम बकरी चरा के आ रहे थे तो दो लड़का मुझे बुलाया, मैं चली गई, बोला कार में घुस, तो हम नहीं घुस रहे थे ना, जबरदस्ती हमको गुस्सा के मेरे साथ गलत करने लगी, बढ़ियाई से आगा। तो कितने लड़के थे? दो लड़की लड़का था। कहाँ ले? एक गाड़ी चला रहे थे। तीन लड़का था, एक गाड़ी चला रहा था, दो तुमने साथ गलत किया। हाँ। क्या नाम है दोनों लड़का का? एक का नाम है बिट्टू, एक का नहीं पता है। नहीं। अंकुश। मेरे बच्चा के साथ गलत किया है सर, हम बीमार रहते हैं, मजबूरी के मौका से फायदा उठाया है। हमारे बच्चा बकरी चरा के आ रहा था, मेरे बच्चा को जो है दो लड़का बंदूक सटा के गाड़ी पे बैठा के और उसको 5 बजे उठाया, 7:30 बजे कहरा कुटी के चौक के अंदर में छोड़ दिया, उसके साथ बलात्कार रेप किया, और जो है रेप करने के बाद जो है वहाँ का आदमी देखा तो वो आदमी जो है घर पे फ़ोन किया, घर पे फ़ोन करने के बाद समाज लोग मारने लगा तो फिर हम
बेटी को पूछते थे तो नहीं बताता था, फिर भी हम अपना दवाई खा के मरने के लिए सोचते थे मर जाएंगे, तब जो है हमको नहीं बताया, अपना चाची को बताया हर एक बार, जैसे हमको चाची को बताया उस तरीका से हम तभी मेरा थाना आए। तो क्या कहाँ आए हुए हैं अभी? अभी थाना के पास आए। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं, हमको कितना पैसा देगा, हमको पैसा से जरूरी नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बेटी का इज्जत चला गया, फिर मेरा बेटी का शादी भी नहीं होगा कहीं पर, हमारा बेटी का इज्जत का इंसाफ चाहिए।